भूखी मराज डिप्रेशन का क्या उपाय है? डिप्रेशन का क्या उपाय है? आप 7 दिन मेरे सामने आकर बैठ जाइए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन में व्यक्ति हो, मैं 7 दिन में उसको ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन से बिना दवाई के ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन का इलाज मैं ही हूँ, आप ही समझो। डिप्रेशन से निकलने के लिए गुरु जी के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उनके वीडियो देख लो, उसी से काम बन जाएगा आपका। गुरु जी, मेरा मन पूजा पाठ में लगता नहीं। कहाँ लगता है? मेरी घरवाली पूजा पाठ करती, मैं इसका सही योग करता हूँ। तो आपका मन अपनी पत्नी में लगता है? मतलब पत्नी में लगता अच्छा तो है, पड़ोसन में न लगे बस। गुरु जी के डिक्शनरी में कभी इरिटेट शब्द और इरिटेट लाइन खत्म ही नहीं होते भाई। गुरु जी, मेरा सवाल ये था, खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खुश रहता हूँ गुरु जी। कैसे खुश रहते? जरा हंस के दिखाओ। आहा करके अच्छे से हंसो, खुल के दांत दिखाओ। मंजन की हो कि नहीं? बोलो घी। गुरु जी अपने वीडियो में लोगों को मोटिवेट करें या ना करें, पर लोगों को हंसा जरूर देते हैं। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हमारा भतीजा हुआ था, 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी और फिर भाभी खत्म हो गई थी और फिर 1.5 साल बाद पापा जी हो गए, फिर जीजा जी हो गए। तो सब लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से सब लोग खत्म। इसकी वजह से भतीजा हुआ, उसकी वजह से। अच्छा, तो कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं, बच्चे में काहे दोष? जैसे हम अपने घर लेके आए तो हमारे देवर बीमार हो गए, हमारी सास बोलती इसी वजह से, मतलब वो बीमार हो गए। अच्छा, तो एक काम करो, बच्चे को पाकिस्तान भेजो, समझ जाएंगे जितने आतंकवादी हैं। फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोग देख रहे हो लाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ अनिरुद्ध चारी जी के बारे में, जिनको प्यार से कहते हैं पोकी महाराज। करो यार, कम से कम वीडियो तो लाइक कर दिया करो, मैं क्या बोल सकता हूँ। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, छोड़ो यार, क्या कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, हाँ। गुरु जी, हमारी सासू माँ आपके बहुत बड़े फैन है, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो आप। के चंडों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको। हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, खुश रहिए के 11th पास हो जाऊँ बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कथाओं में ऑल थिंग इज टेम्परेरी, बट मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम इज परमानेंट। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, 2 साल से मैं अकेला घूम रहा हूँ, अभी भी उसकी याद में हूँ, वो आगे जा चुकी है, मैं अपने साथ क्या करूँ? गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो नासी होगा, इसलिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद फिर बढ़िया शादी कर लेना और अपनी शादी में अपनी पत्नी के संग रहो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो पड़ेगा, देखो मैं कई बार ये हर सबसे कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, कोई आपको कहे, आज तक आपको किसी ने आई लव यू कहा? बहुत बार। किसने? सभी लोगों ने कहा, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं है। तो फिर आई लव यू किसने कहा? गुरु जी एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, जो अपने कथा में रोस्ट भी करते हैं और कथा भी करते हैं और उसके साथ साथ लोगों को अपनी कथा में इंटरटेन भी करते हैं, मतलब एक तीर से 3 निशाने। पत्नी है आपकी? हाँ, सबको पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई करती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 है। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? इन सब के साथ साथ गुरु जी ने उन यूट्यूबर्स पे भी रिएक्ट किया है जो इनको वीडियो में रोस्ट किया करते थे, तो आइए देखते हैं गुरु जी ने क्या रिएक्ट किया। अच्छे कदम उठाए, इसी वजह से सब वृद्धाओं को खाना मिल जाए, उनको रहने की जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे यूट्यूबर है इंडिया के अंदर जिनके आपकी तरह 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं कुछ नाम ले सकता हूँ, मोहित मंगल, थगेश और थिंग नाम के यूट्यूबर हैं, उन्होंने आपके ऊपर रोस्ट निकाले, वो आपकी खुलेआम आलोचना कर रहे हैं, आपका इन पर क्या कहना है? देखिए, वो आलोचना कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छाई को देखना ही नहीं चाहते। जब अच्छाई आती है तो लोग आंख बंद कर लेते हैं। वो केवल जैसे मक्खी होती है ना, वो जाके केवल घाव पर बैठती है, खते पे, उसी तरह कुछ लोग होते हैं समाज में। गुरु जी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस गुरु जी ने उन यूट्यूबर्स को मक्खी बोल दिया बस। कृष्ण भगवान तो श्री तो भगवान ही थे, हाँ तो लेकिन ऐसा क्यों कि 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति कौन है? तुम्हारे पति कितने? गुरु जी ने ये क्वेश्चन इतने बार पूछ लिया कि गुरु जी को खुद नहीं पता उनके सामने कौन खड़ा है, औरत खड़ी है, आदमी खड़ा है। गुरु जी मतलब नहीं है कि आदमी है औरत, मतलब एक आदमी से पूछ रहे कि तुम्हारे पति कितने? तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं, उसके साथ में रह के पीता नहीं। किसके साथ रह के पीती हो अभी? किसके साथ रह के पीती तुम? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ? अरे मर के क्या करोगे, मर के कहाँ जाओगे? जी के लिए क्या करूँगा? पत्नी से बात करो,
पत्नी का बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। नहीं सुनो मेरी बात, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता, कब तक आई लव यू बोलेंगे रोज। अब देखो भाई, गुरुजी ने तुम्हें टिप्स तो बता दी, बट अप्लाई करना तुम्हारा काम है। गुरुजी ने साबित कर दिया कि वो शिवा के साथ साथ पोके महाराज भी है। कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? बताओ फेरे जब पड़े तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली चाई माई? आपके पति आपसे बातचीत नहीं करते कुछ? बहुत कम करते हैं, तो ऐसे गुमसुम रहते हैं। हाँ, हर अच्छा, समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं आपको दिक्कत है, जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या, तो केवल दुकान से घर। हाँ, बहुत सीधे नहीं आपके पति? बहुत ज्यादा ही सीधे हैं। हाँ, तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिकड़म वाला चाहिए था क्या? पहले जन्म में ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं, अपडेट वर्जन चाहते हैं, बताओ क्या चाहते हैं? भगवान से बोलना कि थोड़ा पति मिले ऐसी टाइप का, थोड़ा एडवांस अच्छा रहे ना। भाई गुरुजी की कॉमेडी ना कपिल शर्मा से भी ज्यादा खौफनाक है, मतलब कि वीडियो में बैकग्राउंड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वीडियो पहले से इतनी फनी होती है। जी बस इतना बात पूछूंगा, बस आप जवाब दे पाओगे ना नहीं पाओगे मुझे पता नहीं है, छोड़िए थोड़ा मुझे टाइम देना होगा। टाइम दे तो रहे हैं प्रभु आपको। मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? मैं सारा चला रहा हूँ। अब दादी नहीं कथा सुनती है, दादी के साथ साथ पूरी इंडिया गुरु जी की कथा सुनने लगी है। तो शराब पीते हो रोज? छोड़ता हूँ, अभी 3 साल छोड़ दिया था गुरु जी। लड़कों की शादी करी तो उसमें शुरू हो गया। लड़कों की शादी शराब पीने के लिए की थी क्या? तो खुशी में पी लिया, तब से स्टार्ट हूँ। मैं पीने के बाद बहुत पछताता हूँ कि मैं कल से नहीं पीऊंगा। हाँ, ड्यूटी जाता हूँ, रस्ते में ठेका आता है तो वहाँ अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। 125 की पी जाता हूँ। शराब ना पियो तो अच्छा हो जाएगा? अब नहीं पीऊंगा गुरु जी, पक्का माँ कसम। पक्का माँ की कसम। मतलब कि दादाजी को कसम खिला रहे हैं, वो भी माँ। अब दादाजी को इससे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। अंडरटेकर से लड़ोगे तो हरा दोगे उसको, काहे खून मारोगे उसके शरीर से, पहले उसका भी नारियल तोड़ दोगे। ध्यान रखना बस पैंट ना फटे। गुरुजी कथा करते करते एक चीज और ये बहुत अच्छे से करते हैं, वो है मजाक। महाराज जी आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, हम तो लगाते रहते हैं, मैं तो अनुभव आप पहली बार लगाए हैं। मैं तो ऐसा पहली बार लगाया। बचपन में आपके पिताजी ने सवाल नहीं दिलाया आपको? वो बचपन में था। अरे तो अभी भी चलते हैं ना बचपन में, काहे बूढ़े बूढ़े हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना,